नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज़। मैं हूं आपके साथ ऋतिक। बिहार में विधानसभा चुनाव अब खत्म हो गया है। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे भी जो हैं वो 10 नवंबर को यानी कि कल घोषित भी हो गए हैं, और उसके बाद एनडीए ने बहुमत के साथ जीत दर्ज की। आपको बता दें कि एनडीए ने 125 सीट पर जीत दर्ज की है, तो वहीं मैं बता दूँ कि महागठबंधन जो है उसमें 110 सीट लेकर वो इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की हार हुई है, एनडीए की जीत। और उसमें बीजेपी जो है, अगर मैं बात करूँ बीजेपी भारतीय जनता पार्टी जो है, भारतीय जनता पार्टी ने करीबन 74 सीट पर जीत दर्ज की है। और आपको बता दें कि दूसरे नंबर पर बीजेपी है, पहले नंबर पर महागठबंधन के आरजेडी 75 सीट के साथ आगे गई, तो 74 पर बीजेपी भी है। और फिलहाल जो भी हम खड़े हैं यहाँ पर पटना के बीजेपी दफ्तर में खड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी में खड़े हैं। और यहाँ पर दफ्तर में अंदर अभी अगर हम बात करें तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय पहुँचे हुए हैं, और बीजेपी के सांसद रामकृपाल यादव अंदर हैं। अंदर मीटिंग भी चल रही है, और साथ ही साथ आपको बता दें कि दिल्ली में भी बीजेपी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हो सकता है कि संबोधित करने वाले हैं। तो वहीं साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जो जीत यहां पर दर्ज हुई है बिहार में इस बार के विधानसभा चुनाव में, उसके लिए लोक जनशक्ति पार्टी के जो सुप्रीमो है चिराग पासवान, उन्होंने भी बधाई दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। उन्होंने कहा है कि बिहार में जो जीत हुई है एनडीए की, उसमें चिराग पासवान ने कहा है कि उसमें प्रधानमंत्री मोदी की ही जीत है। उन्होंने नीतीश सरकार पर जमकर निशाना भी साधा, लेकिन मैं अभी फिलहाल बता दूं कि फिलहाल अभी हम खड़े हैं यहाँ पर बीजेपी दफ्तर में। अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर आपको बता सकता हूँ, मैं अपने वीडियो जाने से कहूँगा इधर आइए, आप इधर आइए, इधर से पीछे देखिए, पीछे इस तरफ। धीरे धीरे जो है वो बीजेपी नेताओं की, बीजेपी कार्यकर्ताओं की बीजेपी दफ्तर में भी जो है गहमागहमी शुरू हो गई है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ कि अंदर में अभी मीटिंग भी चल रही है, जहाँ पर अभी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी पहुँचे हैं, अंदर रामकृपाल यादव जो कि बीजेपी के सांसद हैं वो भी पहुंचे हुए हैं। और साथ ही साथ अभी आपने देखा कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी अंदर गए हैं। और मैं आपको बता दूं कि बिहार में एनडीए की जीत हुई है, 125 सीट के साथ बिहार ने एनडीए ने जीत दर्ज की है। महागठबंधन 110 सीट के साथ पीछे रहा, हार गई है। और अब इंतज़ार बस इस बात का है कि बिहार में मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ नीतीश कुमार कब लेते हैं, ये भी सोचने वाली बात है। अब देखते हैं कि आखिर कब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ लेंगे बिहार में फिर से। तो फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, और अभी मैं बता दूं जाने से पहले कि अभी हम खड़े हैं यहाँ पर बीजेपी दफ्तर में, भारतीय जनता पार्टी का यह दफ्तर है, जहाँ पर धीरे धीरे अब गहमागहमी शुरू हो गई एनडीए की जीत होने के बाद से। कल से ही बीजेपी दफ्तर में ढोल नगाड़े के साथ यहाँ पर जो आतिशबाजी के साथ यहाँ पर खुशी मनाई गई है, जीत का जश्न मनाया गया है। और मैं आपको बता दूं कि बिहार में एनडीए की जीत हुई, 125 सीट के साथ बिहार में एनडीए ने जीत दर्ज की है, और 110 सीट के साथ महागठबंधन जो है वो पीछे रहा है। अब देखना यह है कि मुख्यमंत्री के तौर पर, मुख्यमंत्री के रूप में बिहार में कब लेते हैं फिलहाल नीतीश कुमार जो है उनके बारे में बोला गया है, नीतीश कुमार के नाम की पुष्टि की गई है, बिहार में मुख्यमंत्री वही होंगे। तो अब शपथ कब लेते हैं बिहार में मुख्यमंत्री, ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए नेशन न्यूज़। धन्यवाद।